आज रियासी के भमला पंचायत में सरपंच के उम्मीदवार अनिल कुमार ने भरा अपना नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के दौरान मिला सैकड़ों लोगों का समर्थन, ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली, सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे पंचायत घर। जी हां, आपको बता दें, आज अनिल कुमार ने भमला पंचायत के सरपंच के उम्मीदवार का नॉमिनेशन भरा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। साथ ही अनिल कुमार ने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो पंचायत के हर गांव को बेहतर सुविधाएं देंगे। रियासी से रोमेश कुमार, राहुल की रिपोर्ट। प्रकार की खुशी तो महसूस होती है क्योंकि इतने सारे लोग इतनी तादाद में, और मैं अपने ऊपर ये घर भी महसूस करता हूँ कि मैंने लोगों के लिए कुछ किया। बात करें बामरा पंचायत की, अगर ये काफ़ी बड़ी पंचायत है, इसमें कौन से ऐसे काम है जो पिछले काफ़ी सालों से नहीं हो, जो आपके बारे में? बामरा पंचायत सर, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे बड़ी पंचायत है, इसकी 11 वार्ड्स हैं, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है। और आज तक जहाँ पर जो जितने भी लोकल लीडरशिप थी, तो सब ने कोशिश की भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो सड़क की हालात जो है वो पूरी पंचायत में बिल्कुल बदतर है, बिल्कुल चलने के लायक रोड नहीं है, खड्डे के खड्डे पड़े हुए हैं। तो मेरी ये कोशिश है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारा जो एक सदुती का रोड था, वार्ड नंबर 3, 4, 5 को जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, तो वो मैंने ट्राई करके पूछ करके किया था, अभी इसका काम जो है वो जारी है। इसी तरह से हमारा रोड जो है वो गुर्जर का एक रोड है, मेन रोड से ऐसी मरला, एक मेन रोड से तरीम वगैरह मरला, तो वो भी हमने हॉनरेबल MOS डॉक्टर जितेंद्र जी से अपोज रखी हुई, हमारी फाइल चली हुई है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब उसमें हमारी मदद करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले समय में वो भी कंप्लीट होगा। तो अभी एक रोड मेरा जो है वो खुलटी का है, वो बहुत ही बढ़िया, उसकी घटिया हालात है, उसके लोग चल नहीं सकते। मैं शाम को भी गया था, गाड़ी भी क्रॉस नहीं होती। इसके साथ खुलटी में एक और रोड है, एक जहाँ से कोटगीर से नीचे शमशान तल तक का रोड है, सभी रोड वैसे के वैसे पड़े हैं, जो आज से 47 से पहले की बात है वो आज की है। तो तीन सरपंच जो हैं बामरा पंचायत में, तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए? मैंने भी जिस ठान लिया है कि काम करूंगा, लोगों के ये सिस्टम है, इस सिस्टम को मेंटेन करूंगा, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तमाम जो मेरी बामरा पंचायत के लोग हैं, खासकर युवा वर्ग, जिन्होंने बड़ा ही मुझे प्रोत्साहित किया हुआ है, जिन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त साथ दिया हुआ है, मैं उनको लेकर के, उनके साथ मिल करके सिस्टम से तरीके से हर वार्ड की, हर गांव की कमेटी वगैरह फ्रेम करके उस ढंग से हम चलेंगे। और ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाट वी हैव टू डू। हाँ ठीक है, जैसे आप देखा कि काफ़ी सारे लोग आपके साथ आए हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गर्व महसूस होगा कि अभी जीत आपकी निश्चित है? नहीं, ये तो लोगों का सिस्टम है, मेरा कुछ नहीं है, ये लोगों के। हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम बामरा पंचायत के क्या वोटरों से क्या अपील करोगे? मैं बामरा पंचायत के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने अपने मत का दान करना है, इस दान से कोई भी बढ़िया दान नहीं है। तो कृपया करके नौजवान वर्ग, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं इनसे हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ कि जो 8 तारीख को हमारी इलेक्शन है, उसमें सोच समझ करके मत का दान करें, क्योंकि अगर आप अच्छा दान करें, अच्छा मतदान करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को आगे लाएंगे, तो इन लोगों की भलाई होगी। हम बचाएंगे।